ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी तादाद है लोगों की जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो उनको फाइन तो आप कर रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट क्या है? लोगों से मेरी बात, उनका ये कहना है कि टेस्ट पास ही नहीं होता, लाइसेंस कैसे लें? लोग एक्सक्यूज पेश कर रहे हैं लेम एक्सक्यूज के, हमें लाइसेंस नहीं मिल रहा। लाइसेंस बनवाना इनका काम है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। अपॉइंटमेंट फिक्स करें, अब वहाँ जाएँ, वहाँ से आप लर्नर लें और 45 दिन आप ट्रेनिंग लें। ये लोगों को नहीं पता कि ड्राइविंग लाइसेंस सीखने के लिए अपने स्कूल्स भी हैं ट्रैफिक के, वो कहाँ कहाँ है सर, और क्या हर शख्स वहाँ पर जा सकते हैं? जी, ये हमारा जो है वो मनावा में है, मनावा पुलिस लाइन में, और टैवटा के जो सेंटर्स हैं लाहौर में, वो उन तमाम के साथ हमारा कोलाब्रेशन है। और एक और बात है कि हुकूमत पंजाब ये फ्री ऑफ कॉस्ट वो चलवा रही है। जब भी कंपेन चलती है तो हम देखते हैं 15 दिन तो उस पर इम्प्लीमेंट होता है, और बाद में फिर वही कंपेन ढीली पड़ जाती है। क्या ये भी ऐसी कंपेन है कि हम हमेशा सेफ्टी के लिए आए हैं, रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए, और ये उनकी सेफ्टी है कि अनजान ड्राइवर ना बैठे, तरबियत याफ्ता ड्राइवर बैठे। ये देखिए आपके सामने बगैर लाइसेंस चलाने वालों का क्रैकडाउन भी कतार है, और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। माजी करीब में हमने ऐसे वाकया देखे कि जब भी ट्रैफिक पुलिस कोई क्रैकडाउन प्लान करती है और इन्फोर्स करना स्टार्ट करती है, तो शहरियों और ट्रैफिक वार्डन में बहुत सारे झगड़े हमने देखे, तल कलामी होती भी देखी। अक्सर ऐसा भी हुआ कि ट्रैफिक वार्डन को जख्मी कर दिया गया शहरियों की जानिब से। तो इस हवाले से क्या आपने ट्रैफिक वार्डन को कुछ स्पेशल तरबियत दी है कि उन्होंने ट्रीटमेंट कैसे करना है, और शहरियों को कुछ कहना चाहेंगे? ये ट्रैफिक वार्डन की ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग डेली होती है। हम अपने ऑफिसर्स को समझाते हैं कि आपने कमाल जब्त रखना है, जब तक कि आपके गले को ना पड़ जाए तब तक आपने उनके फोकस नहीं करना, आपने कार्रवाई कानूनी कार्रवाई पर फोकस करना है। मेरा शहरियों पे अपील है कि आप समझें कि हम आपकी सेफ्टी के लिए सड़कों पर खड़े हैं, और हम मुश्किल हालात में खड़े हैं। हम बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी में, धूप में, पोल्यूशन में हम यहाँ पर खड़े हैं, इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, हम आपके लिए खड़े हैं। नाजिन, ये जारी है क्रैकडाउन, और अब ये क्रैकडाउन ऐसे ही जारी रहेगा क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के बाकायदा ऑर्डर्स हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फौरी बनवा लें, और जब तक नहीं बनता तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, क्योंकि कोई उजर नहीं चलेगा, एसपी साहब ने भी बताया, इसलिए फौरी लाइसेंस बनवाइए। अपनी जानों का और दूसरी जानों का ख्याल रखिए। एक और शोरी के साथ फिर से मुलाकात।